सलामैकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है सबका, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस आज कोई व्लॉग नहीं मिला फिलहाल तो, लेकिन अब बाइक का थोड़ा सा काम था, उसको ऑयल चेंज करवाना था, ट्यूनिंग करवानी थी, और आगे वाला कुमर गार्ड नहीं होता जो टायर के ऊपर वाला कवर, वो हिलता है इस तरह ऐसे ऐसे, तो वो चेंज करवाते हैं जाके आज। तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ ऑयल में कौन सा डलवाता हूँ, ट्यूनिंग कहाँ से करवाता हूँ, वो एक जानने वाला ही है ट्यूनिंग वाला। तो ये मिस्टर अहमद साहब भी मेरे साथ ही होंगे ये, तो चलिए फिर शॉप पे मिलते हैं जाके, मैं आगे इंट्रो आ जाना है। यार रुको रुको, मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, बस अब आगे मिलते हैं जाके शॉप पे। हाँ जी, तो जी आ चुके हैं इधर, मैं अब शॉप का दिखा देता हूँ, अभी ऑयल निकालते हैं तो बाद में ड्रोन का डलवाया वो आपको दिखाएंगे। अभी शॉप का नाम दिखा देता हूँ, घर के पास ही है शॉप, भाई वो तो नहीं है जो मुझे जानते हैं ना, क्या ऑन कर दिए, किसके लिए चाहिए चाबी? ये अलकायम ऑटो सर्विस है एंड स्पेयर पार्ट। हाँ जी, तो जी वो बाइक का कर रहे हैं काम, तो वो बंदा आ चुका है जो मेरा है, वो यार मजाक उठाता है मेरा हर दफ़ा जब भी आऊँ, वो है उसको बता दिया था चाचू मेरे ने कि ये यूट्यूब से देख कर बाइक का काम कर लेता है, तो वो भी बता रहा हूँ, कहता है अभी यूट्यूब से देख के कर लेना था। मेरी वीडियो यूट्यूब पे चाड़ी तो मैं तेन यूट्यूब पर बना सही कपड़ा दे। चलो जी एक काम हो गया, ये वाला ये नहीं हिलता, ये चेंज नहीं था होना उससे ना, जो नट होते हैं उसके वो क्या बड़े लगा दिए। अरे तेल का नट जी, तो जी गाइस हो गया हमारा काम, तो ट्यूनिंग हो गई, इंजन ऑयल चेंज हो गया है, और ये चीज़ अच्छी हो गई, यहाँ पे टूटा तो उसने बड़े नट लगा कर इसको ठीक कर दिया है, ये जी अब हिलता नहीं है, आवाज़ भी नहीं आएगी, ट्यूनिंग भी हो गई, ऑयल चेंज हो गया, बाकी सब हो गया है।